ये हम 365 रातें हैं मूवी का नाम है और धानुबाग में पहाड़ियों में है शूट कर रहे हैं। किस तरह की फिल्म है ये और क्या आज का क्या शूट चल रहा है? ये एक हॉलीवुड की मूवी है, जैसे हॉलीवुड है तो इसमें कैसा आज तक ऐसी मूवी मेरे ख्यालों में तो आई नहीं। कैसा इसमें जिस तरीके के मैं सीन लिया हूँ, जैसे मुंडी काट देना, अलग ले जाना मुंडी काट के ऊपर लटका देना, हाथ काट देना, पैर काट के है ले जाना, इस तरीके की है जो मूवी आज तक मेरे ख्याल से आई नहीं है। ये एक हॉलीवुड टाइप मूवी है जो अभी तक जो है बॉलीवुड में कोई बॉलीवुड ने टॉलीवुड ने कॉलीवुड किसी में है ही नहीं। कास्ट की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताएं। कास्ट की अगर बात करें तो करीब करीब इसमें नया तो कोई है ही नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि जो करीबन कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, तो कोई सब ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। और आपके अगल बगल में जो खड़े हैं इनके बारे में मेरे बताइए। बगल में जो खड़े हैं ये खुद अपना इंट्रोड्यूसिंग कराएंगे तो ये खुद बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र लाड़े है और मैं इस मूवी में डायरेक्टर का रोल कर रहा हूँ। बहुत ही चैलेंजिंग रोल है और काम करते वक्त तो बहुत मज़ा आया और देखते आगे कैसी मूवी चलती है ये। थैंक यू सर। आप? मैं इस मूवी के लिए कास्टिंग कर रहा हूँ। जो बच्चे हैं अभी फ़िलहाल जिनको मैं अभी जिनका रोल चल रहा है इनको मैंने कास्ट किया है, और भी कई आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने कास्ट किया है, और ये काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है मूवी का जिसके लिए मुझे कास्टिंग करना है। बहुत मज़ा आ रहा है। आगे का तुमको डायरेक्टर साहब बता देंगे। आप रोल भी कर रहे हैं फिल्म में कि फिल्म की कास्टिंग है खाली करी है? रोल लेकर रोल भी कर लेंगे, वो तो दिक्कत नहीं है, बट कास्टिंग करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रही है। ये खान सर ने मुझे मौका दिया है तो खान सर के अरे साथ लेकिन में। ये तो बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मूवी के प्लेट में देख लेना, उस पर लिखा होगा कास्टिंग डायरेक्टर साजिद खान। तो सीधा बोला था कि कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग डायरेक्टर साजिद खान। इस फिल्म का शूट हो जाएगा फाइनल? ये जो फिल्म है करीब करीब जो है ये महीने के अंदर फैब के अंदर अंदर कंप्लीट पूरी हो जाएगी। फरवरी के अंदर अंदर पूरी फिल्म कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपके सामने, ये हमारे मनोज शर्मा जी हैं और बाकी के अपने बारे में ये खुद बताएंगे। मनोज जी, क्या आपने जो ये वस्त्र पहना हुआ है ये ये वस्त्र जो है ये इस करेक्टर की रिक्वायरमेंट है। और हाथ में क्या है आपके? हाथ में लालटेन है। ये किस काम आ रही है? ये रोशनी दिखाने के लिए, तो रास्ता दिखाने के लिए। भूतिया करेक्टर है क्या है कुछ नहीं, करेक्टर कैसा है वो आपको पिक्चर देखने के बाद मालूम पड़ेगा। इम्पोर्टेंट करेक्टर है और उसका खुलासा अभी इस स्टेज में नहीं किया जा सकता। ये ऐसे मतलब ऐसे जो है माली हैं जो आज तक माली नहीं आए, उल्टे कपड़े पहनते हैं, जो आज तक सीधे कपड़े वाले माली देखे होंगे लेकिन ये उल्टे कपड़े वाले माली हैं, लालटेन लेकर लोगों को। करेक्टर की डिमांड है कि वो उल्टा कपड़ा पहने क्योंकि वो करेक्टर ही उल्टी खोपड़ी गए। ऐसा और उल्टे इसलिए लालटेन दिखाते रहते हैं, आ जाओ। और ये हमारे एस के सिंह जी जो इसमें क्या काम कर रहे हैं ये खुद बताएंगे। इस मूवी में इसे मैं कास्टिंग डायरेक्टर का रोल कर रहा हूँ। सर आप मतलब फिल्म के अंदर कास्ट कर रहे हैं? हाँ। तो ये तो मतलब जो किस किस को आपने कास्ट किया है फिल्म में या पूरी फिल्म में आप ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं? नहीं, ये फिल्म का जो मतलब फिल्म के ऊपर जो है एक फिल्म है वो फिल्म के हिसाब से जो है कम से कि उस फिल्मों में क्या क्या दिखाया जाता है, दिखाने के बाद में उसका रिएक्शन समाज में क्या आता है। इस फिल्म की कास्टिंग जो है जितने कैरेक्टर दिख रहे हैं सारे कैरेक्टर इन्हीं के चुने हुए कास्टिंग डायरेक्टर, तो इन्होंने सिर्फ कास्टिंग फिल्म के अंदर कास्टिंग की है। जैसे साजिद खान, उन्होंने जो अभी बताया तो उन्होंने क्या किया है वैसे कास्टिंग जो आर्टिस्ट भेजे, लेकिन मूवी की कास्टिंग जो मूवी में अंदर जो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर का वर्क कर रहे हैं वो कास्टिंग इन्होंने की है। तो इनका कैरेक्टर मतलब सिर्फ कास्टिंग का है? कास्टिंग डायरेक्टर ही मूवी में है। ये एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है, इसका नाम क्या है? तेरा नाम लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है, इस फिल्म की लक्ष्मी। लक्ष्मी आप क्या कैरेक्टर कर रही हो, कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में रिवील? कुछ नहीं है, चल बोली है, भाग रही है। क्या कर रही है? भाग रही है क्या? तो दौड़ रही है, भूत को ढूंढ रही। लक्ष्मी पहली फिल्म है आपकी? हाँ। ओके चलो आप बताओ सर। हाँ, ये महेश
यादव यादव जी, इनकी अकल जो है 12 बजे के बाद क्यों आती है पूछ सकते हो लेकिन ये बताएंगे नहीं, अभी फिलहाल कैरेक्टर कैसे कर रहे हैं वो पूछो। महेश जी बताइए क्या कैरेक्टर, पुलिस का कैरेक्टर बोला तो मेरे से पूछना। इसमें पिक्चर में पुलिस का कैरेक्टर है और सारी पिक्चर की है लेकिन उनकी छोड़ के जो है इस पिक्चर की बात चल रही है इसमें किए हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी साथ में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये राम गौड़ जी हैं, इसमें एज ए लीड काम कर रहे हैं और बाकी का जो है ये खुद पूछो। क्या कैरेक्टर है आपका फिल्म के अंदर? जी मेरा नाम राम गौड़ है और इस फिल्म में जैसे कि कैरेक्टर में करीब 4 कैरेक्टर लीड में है तो एज ए लीड एक कैरेक्टर इसमें मैं कर रहा हूँ और ये मेरी हॉरर पहली फिल्म है जो करने में मतलब मज़ा आ रहा है और इसके लिए चुना है मुझे खान साहब, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस काबिल। आज फर्स्ट डे शूट है कि इसका नहीं, ऑलरेडी ये शूट काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ आज कुछ ऐसे सीन पासिंग सीन थे जंगल के, यहाँ से जाना है वो सीन चल रहा है, ऑलरेडी हो चुके हैं इसे शूट। सर आप बताइए। ये हमारे अलाउद्दीन खान हैं और इस पिक्चर में इनका एक ऐसा सस्पेंस कैरेक्टर है जो स्टार्ट टू एंड है, जिसको कि सिर्फ पब्लिक ही समझ पाएगी कि आखिर है क्या, बाकी का ये कुछ बताएंगे तो अपने बारे में खुद बताएंगे। जी मैं अलाउद्दीन खान बोल रहा हूँ धानुबाग से और इस फिल्म में 365 राइटर में काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो करेक्टर है वो एक गुमशुदा है जो कि फिल्म देखने के बाद ही पब्लिक को समझ में आएगा कि हम क्या हैं, कैरेक्टर क्या है। थैंक यू। नीलम उर्फ टिया और इस फिल्म में एज ए लीड काम कर रही है। एक मिनट में पहले जो है नीलम और उर्फ टिया बाकी इस फिल्म में लीड कर रही है और क्या कर रही है बाकी इससे पूछो। टिया जी आपकी ये फर्स्ट फिल्म है, इससे पहले आप कुछ कर चुकी हैं तो इस फिल्म के बारे में बताइए कुछ अपने बारे में। नहीं, इससे पहले भी प्रोजेक्ट कर चुकी हूँ, खान सर के ही मैंने किए हैं और इस फिल्म में मेरा रोल जो है ना वो हॉरर मूवी के हिसाब से भूत का है, भूतनिंग का जो दिया है इन्होंने चुना है मुझे। ये भूत ही है? हाँ जी। रियल भूत है या कुछ? अभी तो रियल नहीं हूँ। अच्छा मैंने इनके बारे में बताइए खान साहब। ये सीमा हाशमी जी हैं और बाकी अपने जो क्या कर रहे हैं वो एक खुद बताएंगे। बताइए सीमा जी। मैं इसमें हेयर स्टाइलिस्ट का काम कर रही हूँ। ओके, तो आप जितने भी आर्टिस्ट उनका हेयर स्टाइल करती हैं, मेकअप फीमेल आर्टिस्ट? फीमेल। हेयर हेयर मेकअप नहीं, हेयर हेयर स्टाइल उनका जो है बिगड़ा हुआ थोबड़े को सुधारना, ऊपर के बाल जो है वो सुधारने का काम है। मैं बराबर बोला गलत? जी सर। ये खुद बताएगी अपने बारे में, ये खुद बताए क्योंकि एक बहुत बड़ी इसमें एलियन है, एलियन दिख भी रही है, जितने आर्टिस्ट हैं सब देख लो इसकी आँखें ही एलियन है। आपका नाम बताओ उसके बाद अपना कैरेक्टर के बारे में बताओ। मेरा नाम किरण है, आप ही बताओ सर। क्यों तेरे को शर्म लग रही है? मैं बताओ इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? इसको खुद भी नहीं पता है, ये खुद भुलक्कड़ है। इसमें इसका जो करैक्टर है वो करैक्टर जो ये ग्रुप में ग्रुप करैक्टर है जो ग्रुप के साथ में है ये सपोर्टिंग, और ये छोटी हीरोइन खुशी, तेरा पूरा नाम क्या है ये खुद बताएगी। खुशी कौर। क्या इस फिल्म में आपको क्या करैक्टर दिया है खान साहब? जी मेरा करैक्टर है कि ग्रुप नहीं, तू है जो छोटी हीरोइन। पहले एक हीरोइन है, बचपन का है इसका, एक हीरोइन का रोल है और इसकी कुछ सस्पेंस कहानी है आखिर क्या है जो पब्लिक के सामने ओपन नहीं करना चाहते, और ये जो एक करैक्टर कर रही है वो सस्पेंस है। नाम बताया ही, काम भी बहुत अच्छे है। कैसा लगा तेरे पापा ने? कुछ पापा के बारे में कहना चाहेगी? मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी पहली फिल्म है? यस, ये मेरी पहली। और तेरी मम्मी क्या करियर में क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो एक्ट्रेस कैसे इस लाइन में फिर जब डॉक्टर बनना है तो? मेरे मम्मी पापा ने कहा है। जबरदस्ती? खान साहब 365 रातें समझ में नहीं आया, हॉरर फिल्म है या हॉट बोल्ड शूट कर रहे हो क्या? नहीं, 365 रातें कोई बोल्ड भी नहीं है
और ऐसी जो मैंने बताया ना कि कोई पिक्चर जो है जो आज तक आई नहीं, ना इसमें बोल्ड है ना कुछ जो है इसमें कोई हॉट बैड किसिंग ऐसा कुछ भी वो नहीं है, एक साफ सुथरी फिल्म है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि अलिफ लैला एक आई थी कि जिसमें एक सर काट दिया गया था, वरना आज तक किसी में एक कटी मुंडी भी नहीं आई है, तो एक सबसे हट के प्रोजेक्ट है ये। और इसमें छोटे से एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, इसे दर्शक जो है जो देख पाएंगे तो करीबन ये समझ लीजिए कि अगर ये फैम में पूरी हो जाती है, कंप्लीट पूरे इरादे हैं कि फैम में हो जाती है तो मई के लास्ट तक, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक जो देख पाएंगे। हाँ, मेरे जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक जिला बुलंदशहर मूवी है जो फरवरी में लास्ट में करने जा रहा हूँ मैं, जो जिला बुलंदशहर की कास्टिंग वगैरह सब फाइनल हो चुकी है, और एक मूवी है जो कंप्लीट हो चुकी है, ये भुला दिए तूने वादे सारे, जो पूरी जो है एडिट वगैरह है सब कंप्लीट हो गया, और कमबख्त इश्क जो एकदम फाइनल है लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से है उसे रिलीज नहीं कर पा रहा मैं, अभी थिएटर चालू हो जाए सब तो उसको पहले रिलीज करता हूँ। तो ये सब रनिंग प्रोजेक्ट हैं, तीनों रनिंग प्रोजेक्ट हैं, 365 रातें और एक जो है ये अपना जिला बुलंदशहर, ये जो है रनिंग में। चलिए, ये हमारे इस फिल्म के DOP और बाकी के जो है सारी चीज़ें हैं अपने बारे में खुद बताएंगे। शूट कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको खान साहब के साथ शूट करना? देखिए, मैं खान साहब के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, इनकी 2-3 फिल्में मैंने की है और इनका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, और इनका एक काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये जो है ना, आर्टिस्ट को अच्छे को समझा के अच्छे से काम करते हैं, ब्लॉकिंग हुआ चाहे कोई हुआ टेकिंग हुआ सब, इनका जो अंतर्दृष्टि है वो बहुत बढ़िया है। आज के सीन के बारे में कुछ बताएंगे, क्या है सीन आज का? आज का सीन ये है कि एक हॉरर स्टोरी है, जो इसकी बिगिनिंग जो हो रही है ना, तो एक सस्पेंस है कि लोग जा रहे हैं, जिस तरह से गुमनाम वगैरह पिक्चर आपने देखी है ना, उसमें वो लोग कुछ मतलब कि पूरे जो क्राउड जो है वो जंगल में भटक रहे हैं और उनको डर है इस बात का कि कोई भूत वगैरह नहीं आ जाए। सर, आप बताइए अपने बारे में। इसका नाम नागेंद्र कुमार गोस्वामी है, मैं 365 रातें मूवी में काम कर रहा हूँ, कपल खान सर की सपोर्टिंग में, खान सर की सपोर्टिंग में है, ये मेरी फर्स्ट मूवी है। थैंक यू सर। ये जो हैं कश्मीर सिंह जी, और जो अभी खुशी जो बच्ची चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो एक छोटी जो हीरोइन का है जो काम करे वो इन्हीं की बच्ची है। अब उसके बारे में ये दो बात कहना चाहेंगे कि उस बच्ची के लिए जो है जो सपोर्ट है या क्या चाहते हैं उस बच्ची के लिए, तो ये खुद बताएंगे। जी बताइए सर। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी बच्ची की पहली मूवी है, तो सर से मुझे मिलके अच्छा लगा, तो वो अच्छा काम करेक्टर में कर रही है, तो इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आपने क्यों नहीं किया, आप भी तो अच्छे हैं करेक्टर, आपको भी करना चाहिए। सर, मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं है। जी सर, खुशी हमारे बच्चे आगे बढ़े तो हमारे को खुशी मिलेगी, जो हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कर पाए। थैंक यू। ओके, चाइल्ड आर्टिस्ट जल्दी बस। ओके, चलिए अभी एक तो ये ले लीजिए और मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और क्या लेना है? और ये लेना है, ये पर्सनली जो है मैं एक बात बताना, ये मेरी मूवी जो 365 रातें हैं उसमें जो कास्टिंग की है ये साजिद खान इन्होंने ही की है, और एक और मूवी है जो जिला बुलंदशहर है उसकी भी कास्टिंग यही कर रहे हैं, और बाकी की सपोर्टिंग अच्छी है, सप्लायर्स इनके हैं, जो बच्चे जितने भी हैं और भी जो कुछ आर्टिस्ट हैं तो ये इनसे जो है हेल्प मैं लेता रहता हूँ। और बाकी दो वर्ड आप कितने होंगे, आपके पास कितने आर्टिस्ट होंगे? मेरे पास आर्टिस्टों की लाइन 500 तो बहुत कम हो गए, मतलब 5,000 के आसपास करीब, वो भी कम पड़ जाएंगे। वो तो मतलब अनलिमिटेड आर्टिस्ट हैं, इनके पास कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आर्टिस्ट की ज़रूरत है आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और इस फिल्म के अंदर है एज एक लीड आर्टिस्ट है, और बाकी का जो है ये मेरे साथ में कब से है काम कर रहे, तो ये खुद बताएं। पे आप आए हुए हैं, क्या है फिल्म के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में भी कुछ बताइए। मैं सत्या दुबे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और इसमें
खान सर के मूवी में लीड कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी मूवी है, हॉरर मूवी है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि हम लोग एक जंगल में आके जैसे एक हॉरर होती है, हर हॉरर से थोड़ा सा अलग हट के ये मूवी है जिसको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छा। आपके किरदार की बताइए, क्या है किरदार? मैं इसमें लीड रोल कर रहा हूँ, बाकी तो आपको थिएटर में ही जाके देखना पड़ेगा सारी चीज़ें बताइए। डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो इनके बारे में कुछ बताइए, ये किस तरह के डायरेक्टर हैं, कितनी फिल्में कर चुके हैं आप इनके साथ? ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मैंने इनके साथ करीब 7-8 मूवीज़ की हैं और बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। आज के शूट का कुछ मालूम हो तो उसके बारे में रिवील कर दीजिए थोड़ा सा। आज का शूट बस हो गया, हम लोग आए हैं, थोड़ी देर में चालू ही होने वाला है तो तू आया, अभी आया तो बोल रहा है क्या तो ये बोल, अभी शूट सुबह से चालू है तो बोलेगा अभी चालू होने वाला है। कौन सा टाइम दे रहा है? टाइम दे रहा है।